नमस्कार। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले कि मैं निकोन डी 7200 कैमरा लाया हूँ, मैं निकोन डी 7500 कैमरा लाया हूँ। तो जो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और नया कैमरा लाए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप या तो पहले 3100 कैमरा इस्तेमाल करते थे, 3200, 3300, 3000 सीरीज वाली या 5000 सीरीज वाली, उससे आप कहीं कहीं 7000 सीरीज वाले कैमरे के अंदर आए। तो स्वाभाविक है आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा और उसी अंतर की वजह से आप लोगों में कंफ्यूज पैदा हो जाता है और आप फटाफट मुझे कॉल कर देते हैं, चलो मैं ये कैमरा लेकर के आया, लेकिन यहाँ पर कैमरे के अंदर जो पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है वो पिक्चर मैं जब कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उस टाइप की पिक्चर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो मेरा कहना है, डरिए मत। आप नया कैमरा लाए हैं, आप अपडेट चीज लाए हैं, तो आप उसको सीखिए, आप उस पर काम कीजिए। नया कैमरा लाते से ही आप जितना जानते हैं उतना काम कीजिए। अगर आप 3200 सीरीज या 3300 सीरीज या 5000 की सीरीज से अगर 7000 में आए हैं तो यहाँ से आप फुल फ्रेम कैमरे में इजी वे में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस कैमरे को अच्छी तरीके से सीखना है और डरना नहीं चाहिए। अगर आपने प्रीव्यू के अंदर देखा कि आपकी पिक्चर अच्छी है, मीन्स वो अच्छी है, आप उस पिक्चर को फोटोशॉप में ले जा करके बहुत अच्छा आप बना सकते हैं। डरिए मत। बहुत सारे लोग डर गए और उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, इतना उन्होंने एकदम हाय तौबा मचा दी। मैंने कहा आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स में रहिए, कुछ नहीं होगा। अगर आपने फ़ोटो खींची है और प्रीव्यू के अंदर अच्छी दिखाई दी है, मीन्स फ़ोटो अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं जो इस कैमरे के अंदर आप हमेशा ध्यान में रखिए। जितने जो नया कैमरा लेकर के आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये पता नहीं है कि कैसे इसका मेन जो सेटअप होता है वो करना चाहिए। सेटिंग के मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बना के देके रखे हैं। तो आप सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर ये कीजिए कि लेंस के यहाँ पर जो ये होता है ना ए और एम, तो इसको आप ऑटो कर दीजिए। सबसे पहला काम आप ये कर दीजिए। दूसरा, आप जितना जानते हैं उतना आगे बढ़िए, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़िए। और फिर दूसरा काम आप कीजिए, देखिए एक स्विच ये यहाँ पर लगा हुआ है, इस जगह पर ये छोटा सा स्विच है और इसमें आप इसको ऊपर और नीचे ऐसा कर सकते हैं। तो आप इसको भी एएफ पर रखिए, एम पर मत कीजिए। एम का मतलब हो जाता है मैनुअल फोकस। हम अगर इसको एम कर देते हैं तो फिर इसको हमें मैनुअली फोकस करना पड़ेगा। इस रिंग से, इस रिंग को घुमा घुमा के हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा काम आप ये ध्यान में रखिए। और तीसरा, सेटिंग के अंदर आप जो इमेज साइज लेते हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे चल जाएगा, डिफॉल्ट सेटिंग जो है उस पर आप काम करना शुरू करिए। नया कैमरा लेते से ही आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपका ऑटो फोकस कम से कम हो। उसके बाद में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बाकी की सेटिंग आप डिफॉल्ट रख सकते हैं, आपका काम करेगा। कैमरे के ऊपर जो फ्लैश लगाते हैं, आप चाहें तो मैन्यूअल लगाएं, आप चाहें तो TTL लगाएं, जो भी आपको फ्लैश सूट करती है, जितना भी बजट आपको सूट करता है, आप बेशक यहाँ पर लगाइए और बिंदास होकर के आप फोटोग्राफी कीजिए। डरेंगे आपके फोटो अच्छे नहीं आएंगे। आपको प्रीव्यू दिख रहा है, सबसे बेस्ट बात यह है कि आप जो भी फोटो खींच रहे हैं उसका प्रीव्यू दिख रहा है, और इस प्रीव्यू में अगर आपको अच्छा फोटो दिखाई दे रहा है तो आप क्यों चिंता करते हो? आप उसको बिल्कुल पोस्ट प्रोडक्ट करेंगे आप फोटोशॉप के अंदर, तो आप बहुत अच्छा उसको बना लेंगे। तो ये दो तीन चीज़ों पे आप नया कैमरा लेकर के आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सारे शॉर्टकट दे रखे, तो आप उस शॉर्टकट को दबा करके देख सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन का बटन एक बार दबा करके आप यहाँ की स्क्रीन ले सकते हैं, और शॉर्टकट में आप जो भी लेना चाहेंगे, वाइट बैलेंस का है और इमेज साइज का है, ISO का है, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। और ISO को आप रात्रि के अंदर 700, 800, 1000 तक भी रख ले, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लेकिन जब आप फोटो फोटोशॉप में ले, उस समय आप ये उसको जूम इन करके ये चीज़ देखें कि उसमें कहीं नॉइज़ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट हमें थोड़ा ठीक ठाक रखना चाहिए। अगर लाइटिंग हमारी अच्छी है, फ़ोटो हमारे अच्छे आते जाएंगे। तो आपने जिन जिन महानुभाव ने ये 7000 सीरीज के कैमरे लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, और आगे बढ़े वो और सीखना शुरू करें। और जो मैंने अभी सारे ट्यूटोरियल्स 7200 पे बना के रखे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया और थोड़ा सा गैस आप स्वयं लगा लीजिए। कैमरे का जो सेटिंग होता है, सिस्टम होता है, लगभग एक जैसा होता है, और इसका जो काम करने का तरीका होता है वो भी लगभग एक जैसा समान होता है। तो आप बेशक इस कैमरे की सेटिंग्स से भी आप अपने कैमरे की सेटिंग्स को ले सकते हैं और एक अच्छा परिणाम आप दे सकते हैं। तो डरिए मत, आगे बढ़िए,
हो जाइए शुरू और लीजिए वेडिंग्स प्रोग्राम और जाइए इवेंट में और बिंदास होकर के आप फोटोग्राफी कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आए हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जितना हमें आता है वैसा हम जरूर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।